चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं, जहां प्रियंका गांधी रायपुर पहुंच गई है। महत्वपूर्ण दौरा है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का सीएम भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया है। थोड़ी ही देर में भिलाई में महिला सम्मेलन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जयंती स्टेडियम इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि योजनाओं से लाभान्वित होने वाली महिलाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो सम्मेलन के दौरान कई बड़ी सौगातें महिलाओं को आज दी जा सकती है और बड़े ऐलान आज प्रियंका गांधी इस मंच से कर सकती हैं। काफी महत्वपूर्ण दौरा है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि आज कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी और दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से होंगी स्मृति ईरानी, जो कि परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगी। और चलिए ज्यादा बातचीत हम करेंगे, हमारे साथ संवाददाता गौरव शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, काफी महत्वपूर्ण दौरा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का, समझना चाहेंगे आपसे क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहेंगे और आज जब मंच पर प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी तो यहां से महिलाओं को साधने के लिए वो कौन सी बड़ी बातें हो सकती है जो उनकी ओर से कही जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जो हैं वो रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंच गई और मैं इस वक्त एयरपोर्ट में ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि उनका काफिला जो है वो यहाँ पर तैयार खड़ा है। एयरपोर्ट के अंदर में यदि हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया है गर्मजोशी से। तमाम बड़े मंत्री और नेता जो हैं कांग्रेस के वो भी एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यदि हम आज पूरे कार्यक्रम के बारे में बात करें तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस करने जा रही है प्रियंका गांधी के माध्यम से। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन जो है ये भिलाई में होना है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने के लिए जो है आज कांग्रेस का ये प्रदर्शन होगा। एक प्रकार से दुर्ग में जो है हुंकार भरेंगे, क्योंकि दुर्ग ही एक ऐसा विधानसभा है, दुर्ग संभाग एक ऐसा है जहां पर थे बड़ी संख्या में खुद मुख्यमंत्री भी, वहां से विधायक जो है ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री वो भी वहां से आते हैं, तो कई ऐसे बड़े नेता जो है वो वहां से आते हैं और उसी को साधने के लिए और महिलाओं को साधने के लिए इस सभा को जो है आज आयोजन किया जा रहा है। जयंती भिलाई के जयंती स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। और यदि बात करें महिला समृद्धि सम्मेलन की, तो कई ऐसी योजनाओं का शुभारंभ वहां पर मुख्यमंत्री करेंगे, जो घोषणाएं हैं वो करेंगे, जिसका सीधा फायदा वहां के जनता को होगा, भिलाई दुर्ग के जनता को होगा। तो कहीं ना कहीं एक अहम दौरा जो है इसे माना जा सकता है। इसके पहले वो जगदलपुर भी आई थी और जगदलपुर के बाद अभी का ये दौरा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दौरा है। जी तस्वीरें एक बार और फिर से दिखाइएगा, क्योंकि इंतजार यहां पर काफी कहा जा सकता है कि उत्साहित होकर कार्यकर्ता कर रहे हैं। कितना समय अभी, क्या प्रियंका गांधी रायपुर पहुंच गई है, एयरपोर्ट से बाहर निकलने में अभी उन्हें समय लग रहा है, या इसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी की यदि मैं बात करूं तो वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और मैंने जैसे पहला बताया था कि उनका यहां पर स्वागत भी किया गया गर्मजोशी से। खुद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के साथ बीजेपी कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ यदि मैं बताऊँ तो यहाँ पर सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ से निकल कर प्रियंका गांधी सीधे होटल, एक निजी होटल है नया रायपुर में, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ आराम करने के बाद और बड़े नेताओं के साथ बैठक या चर्चा करने के बाद जो है वो 12 बजे भिलाई के लिए रवाना होंगे। सड़क मार्ग से वो भिलाई जाएंगे, क्योंकि राजधानी रायपुर और अन्य जो जिले हैं वहाँ पर लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है, तो सड़क मार्ग से वो भिलाई पहुंचेंगे और भिलाई में जो जयंती स्टेडियम है वहां सभा स्थल में जो है सम्मेलन स्थल में शामिल होकर प्रियंका गांधी वापस दिल्ली के लिए लौटेंगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका गौरव, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। लेकिन काफी महत्वपूर्ण दौरा है प्रियंका गांधी का, जयंती स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें उन्हें शामिल होना है और आज महिलाओं को लेकर, महिला वोटर्स को लेकर